सो दिस इज़ एक्सरसाइज फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर वन हमने इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केर प्लस फोर इक्वल टू यहाँ पर सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद द सेकेंड होल ब्रैकेट ठीक है जो हमारे पास रूल है मल्टीप्लाई करने का प्लस वन सेकेंड टर्म ठीक है इस इज सेकेंड टर्म प्लस एक्स प्लस थ्री ओके एक्स स्केयर प्लस फोर इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स प्लस एक्स वन एक्स प्लस थ्री वन एस थ्री अब आपने क्या करना है इनको सॉल्व करना है ठीक है एक्स स्क्र थ्री एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ठीक है अब आपने क्या करना है यहाँ पे आपने जितनी x वाली टर्म्स हैं उन सबको एक साथ लिख लेना है एक्स स्क्र ये वाली x वाली टर्म इधर आएगी दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्र ठीक है फोर एक्स अच्छा ओके सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी प्लस फोर एक्स है तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा जब लेफ्ट साइड पे आएगी इक्वल्स टू थ्री ये वाला फोर जब राइट हैंड साइड पे जाएगा दिस विल बिकम माइनस फोर राइट एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र से कैंसिल हो जाएगा प्लस फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस विल बी कैंसिल विद माइनस दिस विल बिकम फोर एक्स इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल्स टू फोर को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई फोर दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर वन सेस टू x एक्स प्लस वन होल स्क्र माइनस एक्स माइनस टू स्क्र ठीक है इक्वल्स टू इक्वल्स टू एक्स x एक्स ठीक है अच्छा अब आपने जब भी आपके पास ये वाली टर्म आएगी x प्लस वन होल एक्स प्लस वन होल स्केयर तो हमें पता है इसको टू टाइम्स ओपन करते हैं x प्लस वन एंड x प्लस वन ठीक है अब हमने क्या करना है इसको ओपन करना है जितनी भी स्केयर वाली टर्म्स हैं ठीक है उनको टू टाइम्स लिखना है दिस विल बिकम टू अब ये टू सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है x प्लस वन ठीक हो गया एंड x प्लस वन यहाँ तक माइनस ये क्या हो जाएगा x माइनस टू एंड x माइनस टू ठीक है इक्वल्स टू ये वाली जो टर्म है दिस विल बिकम एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स ठीक है अब हमने क्या करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का रूल है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ सेकेंड ब्रैकेट राइट प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई विथ सेकेंड ब्रैकेट ओके माइनस दिस विल बिकम एक्स इंटू एक्स माइनस टू माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स ओके टू यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्र मल्टीप्लाई करते जाते हैं प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन राइट माइनस दिस विल बिकम एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस फोर इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स ठीक है अब आपने क्या करना है इनको सिंप्लीफाई करना है ठीक है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन राइट माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का लगेगा साइन ऑफ इंटीजर फोर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स राइट अब हम यहाँ पे बाकी सॉल्व करते हैं हमने बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है सो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स हमने सबसे पहले जो स्केयर वाली ब्रैकेट्स थी उनको टू टाइम्स ओपन किया ठीक है और फर्दर सॉल्व करते गए अब हमने क्या करना है यहाँ पे जो ये बाहर टू है ठीक है यहाँ पे माइनस है इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है दिस विल बिकम टू एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस टू ठीक है अब यहाँ पे ये जो माइनस है ठीक है इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है दिस विल बिकम माइनस माइनस एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स राइट अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज माइनस टू एक्स अब फर्स्ट हम क्या करते हैं सारी टर्म्स को एक्स वाली जो भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं ठीक है जब हम इनको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे दिस इज वर्ड दिस इज

ओके okay, 11x एक्स इक्वल्स टू टू इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड तो इट विल बिकम प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू डिवाइडेड बाय इलेवन इलेवन को हमने दोनों साइड्स पे डिवाइड किया है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू टू बाय इलेवन दिस इज एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 17 एंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट सेज दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल शोन एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्केयर बाई टू सेंटीमीटर लेट्स राइट द स्टेटमेंट हेयर सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल

into x plus 2 equals to 2 plus area of the square length into width so x into x right so this will become x into x plus 2 minus 1 x plus 2 equals to 2 plus x square this will become x square plus x into 2 2x minus x minus 2 equal to 2 plus x square now uh, solve these equations plus this will become 2x minus x प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू टू प्लस एक्स स्केयर अब आपने क्या करना है ये जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है ठीक है अब लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम लेकर आते हैं दिस विल बिकम दिस विल बिकम माइनस टू एंड दिस विल बिकम माइनस एक्स स्केयर minus x square equals to 0. Now x square will be cancelled with x square. Okay. This will become x minus minus 2 minus 4 equal to 0. x equals to 4. taraf shift ho jayega. This will become 4. So x is equals to 4 centimeter. दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर एटीन एंड इन दिस क्वेश्चन जो हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट है वह है द एरिया ऑफ द स्केयर एक्सीड्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाई थर्टीन मीटर पर सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आपने सिंपली यहाँ पर वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट है दैट्स इज द एरिया ऑफ द स्केरयर एक्सीड्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाई थर्टीन तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं ठीक है एरिया ऑफ स्केयर ठीक है एक्सीड्स एक्सीड्स मीन आपने थर्टीन ऐड करना है इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल राइट अब हम क्या करते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ द स्केयर निकालते हैं ठीक है एरिया ऑफ द स्केयर क्या होगा लेंथ इंटू विथ होता है एरिया का फॉर्मूला ठीक है तो वाई इंटू वाई इक्वल्स टू थर्टीन प्लस वाई प्लस वन एंड वाई माइनस थ्री राइट अब हम क्या करते हैं वाई इंटू वाई वाई स्केयर इज इक्वल्स टू थर्टीन प्लस y into y minus थ्री plus वन y minus थ्री y square is equals to थर्टीन plus y square minus थ्री वाई प्लस वाई माइनस आपने सिंपल क्या किया है सिंपली आपने इन सब चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई किया है ठीक है ओके नाओ अब ये जो y square है आप इसको राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करें दिस विल बिकम जीरोल्स टू थर्टीन प्लस y square माइनस y square ये जो माइनस y square है वो ये है ठीक है माइनस थ्री वाई प्लस plus y will become 2y minus 2y minus 3 right so these both will cancel with each other 0 equals to minus 2y 13 13 minus 3 this will become my, uh, plus 10 ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां पे simply this will become 0 equals to minus 2y plus 10 ठीक है ये हमारे पास आ गया अब हमने क्या करना है टेन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है दिस विल बिकम माइनस टेन इक्वल टू माइनस टू है माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब आपने क्या करना है सिंपल यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास टेन इसके साथ टू को डिवाइड कर देना है यहाँ पे सिंपल वाई आ जाएगा टू वन एस टू टू फाइव ज़र टेन ठीक है तो दिस विल बिकम वाई इक्वल्स टू वाई टू फाइव क्वेश्चन स्टेटमेंट इज दिसम एक्सरसाइज फिफ्टीन द एरिया ऑफ द स्केयर इज हाफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल राइट तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट को इधर लिखते हैं एरिया ऑफ स्केयर इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल राइट सो एरिया ऑफ स्केयर क्या हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स एक्स स्केयर इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस इज वर्ड दिस इज टू इंटू एक्स प्लस फोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं एक्स माइनस टू दिस टू विल बी कैंसल विद दिस टू एक्स स्केयर इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स एक्स माइनस टू प्लस फोर एक्स माइनस टू अब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस माइनस माइनस फोर टू एट राइट अब क्या करते हैं यहाँ से हम ये जो एक्स स्क्र है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं यहाँ पे जीरो बच जाएगा एक्स स्केर माइनस एक्स स्क्र ये वाला जो एक्स इधर शिफ्ट किया दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स दिस विल बिकम प्लस टू एक्स एंड माइनस एट ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ज़ीरो एक टू टू एक्स माइनस एट एट को इस तरफ से शिफ्ट करते हैं टू एक्स टू वन एस टू टू फोर ज़ार एट या फिर आप सिंपल इसको किस तरह से भी कर सकते हैं एट बाई टू इक्ल टू एक्स टू वन एस टू टू फोर ज़ार तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर